नमस्ते गाइस, आशीष शेफ और नमस्ते डे कर। हमारे पास है वीवो का X60 और हर बार की तरह हर व्यू फोन के लिए जैसा हम करते हैं, इस बार भी इसके टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि इसमें एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन रन कर रहा है। तो एंड्रॉयड 11 है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें फ्रंट टच ओएस का कौन सा वर्जन है। तो यह अपफ्रंट तो नहीं है, लेकिन आप जब इसके सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे फ्रंट टच ओएस 11.1 ग्लोबल। वीवो के V20 और वो सब जो आए थे वो 10.5 पे थे। हालांकि मैं एज सच कोई मेजर चेंज नहीं देख पा रहा हूँ, बट UI डेफिनेटली थोड़ा और पॉलिश हुआ। तो आइए शुरू करते हैं इसके टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले होम स्क्रीन सेटिंग, तो आप यहाँ पे कहीं भी लॉन्ग प्रेस करो, होम सेटिंग्स पे जाओ और यहाँ आपको मिलेगा होम स्क्रीन आइकन बैच। आपको डॉट चाहिए या नंबर चाहिए ये आप चेंज कर सकते हो। होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आप ग्लोबल सर्च चाहते हो या नोटिफिकेशन चाहते हो। यानी कि जब मैं स्वाइप डाउन कर रहा हूँ तो ये मेरा ग्लोबल सर्च है, ये ऐप में सजेशंस में सब जगह देखता है। इन केस आपको ये फीचर नहीं पसंद है, आपको नोटिफिकेशन सेंटर चाहिए, तो आप यहाँ पे जाओ और स्वाइप डाउन करो तो ये नोटिफिकेशन सेंटर को ऊपर लेके आता है। ग्लोबल सर्च मेरे हिसाब से बेटर है बिकॉज आप इंस्टेंटली स्टार्ट सर्च कर सकते हो। ऐप रिकमेंडेशन बार इसको ऑन रखिएगा, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे सर्च करोगे कुछ भी तो जो भी रिकमेंडेड ऐप्स हैं जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हो वो सब यहाँ आता है, जैसे आप टाइप करते हो तब वो सामने आता है। तो ये तो होम सेटिंग्स की बात हो गई। अब यहाँ पे एक दो चीज़ और देख लेते हैं। आई मैनेजर करके एक ऐप है, उसके अंदर यूटिलिटी एक टूल है जिसके अंदर आता है ऐप इंक्रिप्शन। आप ऐप इंक्रिप्शन पे जाओ, इसमें आपको एक 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है और फिंगरप्रिंट भी एसोसिएट कर देना, ईजी हो जाएगा। ये ऐप इंक्रिप्शन क्या करता है, ये बेसिकली ऐप्स को लॉक करता है। यानी कि अगर आप वीवो के फोन्स में एप्लीकेशन को लॉक और हाइड करना चाहते हो तो आपको ऐप इंक्रिप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्रोम को लॉक कर देता हूँ और ऐप लॉक टाइम में जाके ये भी सेट कर लेता हूँ कि मुझे कितनी फ्रीक्वेंटली लॉक करना है। 1 मिनट का जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्विच करते हो तो ज़रूर काम आएगा, इसको ऐसे ही रखिए। उसके बाद हाइड ऐप्स भी है, तो ऑलरेडी मैंने कुछ ऐप्स को हाइड किया है तो ये आप देख सकते हो। इन केस आपको और भी कुछ हाइड करना है तो आप यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ दिखेगा व्यू हिडन ऐप्स, कैसे देख सकते हो। ये गेस्चर बेसिकली एक है जो आपको इनेबल करना है, जो आपको दिखाता हूँ। वेरीफाई प्राइवेसी पासवर्ड हमेशा करो। उसके बाद मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट को मैंने हाइड कर रखा है, ठीक है ना। नाउ अगर आप होम स्क्रीन पे हो तो आप कैसे देखोगे हिडन ऐप्स, 2 फिंगर अप, और यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा या फिंगरप्रिंट दे दो और आपके हिडन एप्लीकेशन आ जाएंगे, इसको आप लॉन्च कर दो। अगर आप मल्टीटास्किंग में जाओगे तो देखोगे कि वो गायब हो गया, हालांकि हमने तुरंत किया था। आप देख सकते हो अमेजोन हैज बीन ऑटो हिडन, ये क्लियरली बता रहा है कि अगर आप कोई हाइड करते हो आपको तो वो मल्टीटास्किंग से भी गायब हो जाएगा, इसीलिए वो चला गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऐप क्लोन की। मारामारी अभी भी जारी है क्योंकि वीवो के फोन में मैसेंजर डुप्लीकेट नहीं होता है। ये इनका 3-4 साल का प्रॉब्लम है। मुझे लगता है इन कंपनीज को आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वो मैसेंजर आप कभी डुप्लीकेट नहीं करने देते। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आप होम स्क्रीन में देखोगे तो मैसेंजर आपको मिलेगा, बट यहाँ नहीं है। खैर, आप स्नैपचैट, फेसबुक, टेलीग्राम ये सब क्लोन कर सकते हो। एक और है अल्ट्रा गेम मोड, ये आप जरूर इनेबल करने, ऐसे तो इनेबल है बाय डिफॉल्ट, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि ई स्पोर्ट्स मोड, आपको मिनिमम डिस्टर्बेंस चाहिए, ऑप्टिमाइज कंट्रोल चाहिए, ऑप्टिमाइज डिस्प्ले सेटिंग, अडैप्टिव फ्रेम रेट, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको कंट्रोल करने को मिलती है एज अ साइड पैनल जब आप गेम खेलोगे। उसके बाद एज आई एनहांसमेंट, 4D वाइब्रेशन, गेम साउंड क्वालिटी एंड साउंड इफेक्ट, काफ़ी कुछ है। इवन नोटिफिकेशन आप म्यूट कर सकते हो, कॉल म्यूट कर सकते हो, काफ़ी कुछ है। उसके बाद पिक्चर मोड में भी आप गेम खेल सकते हो। इन केस आपको अगर कुछ और करना है, एक बार तुरंत देखना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। एक और मैं बता देता हूँ, मैंने इसके पहले कभी बताया नहीं है, वो है डेटा बैकअप। अगर आप वीवो का क्लाउड नहीं यूज़ करते हो और अपने कंप्यूटर में बैकअप लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाना, इसको इनेबल करना और अपने कंप्यूटर में ये खोलना, तो आपको जितने भी वीवो फोन में जो आपका डेटा है ना उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन पैनल खोलते हैं फाइनली, तो आपको क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो यूजुअल फीचर्स हैं,
एस कैप्चर का ऐप है, काफ़ी यूजफुल है। ये आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने देता है, लॉन्ग स्क्रीन शॉट है, रेक्टेंगुलर शॉट है, रिकॉर्ड एनिमेशन है और फनी स्क्रीन शॉट है। वैसे तो स्क्रीन शॉट लेना बहुत ईजी है, आप 3 फिंगर स्वाइप डाउन करो और ये स्क्रीन शॉट ले लेगा। लॉन्ग स्क्रीन शॉट पर टैप करो, ऑटोमेटिकली स्क्रॉल कर लेगा। आप इसको रीसाइज भी कर सकते हो अगर आपको रीसाइज करना है तो। एस कैप्चर में आपको ऑल्सो मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप अगर इसको टैप करोगे, मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स आ गई। आप टच ट्रैजेक्टरी, रिकॉर्ड साउंड, आपको क्या चाहिए, दोनों चाहिए तो आप दोनों कर लो। कई लोग पूछते हैं कि भाई सिस्टम ऑडियो माइक्रोफोन दोनों चाहिए, तो उस केस में ये कर लो। उसके बाद डिसेबल नोटिफिकेशन वाइल रिकॉर्डिंग, ये भी आप कर सकते हो अगर कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो तो। एस कैप्चर में एक और है जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड एनिमेशन। जब आप इसको करोगे तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ही आप रिकॉर्ड कर सकोगे। ये आपने सेलेक्ट कर लिया, आप चाह रहे हो यहीं पे हो, तो अब ये क्या करेगा, इसका जिफ बना लेगा एट द एंड, क्योंकि ये 15-1 सेकंड तक करता है। आप यहाँ पे जो करना चाहो कर लो, उसके बाद हो जाए तो स्टॉप कर दो और यहाँ पे ये इसका जिफ सेव हो जाएगा। डार्क थीम आपको मिलता है, तो आप डार्क थीम में आप देख सकते हो, आप इसको ऑलवेज ऑन रख सकते हो। सनसेट टू सनराइज का ऑप्शन है, कस्टम टाइम पे भी आप इसको ऑन कर सकते हो। स्मार्ट मिररिंग और स्क्रीन कास्ट दोनों का ऑप्शन है। याद रखिएगा, मिररिंग फोन को डुप्लीकेट करेगा और कास्टिंग कुछ वीडियोज वगैरह आपको प्ले करना है उसमें काम आएगा। एक और ऑप्शन है, कई लोग पूछते हैं गेस्ट यूजर ऐड कर सकते हैं क्या, तो आप जब नोटिफिकेशन पैनल को खोलोगे यहाँ पे एक्शन सेंटर पे, तो और इस पे टैप करोगे, एक छोटा सा आदमी बना हुआ है, तो आप देख सकते हो ओनर ऐड अ गेस्ट ऐड यूजर, ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये तो बात होगी हम लोग के होम सेटिंग्स और ये सब लोगों ने बात कर लिया। अब हम चलते हैं मेन सेटिंग्स में, फोन के मेन सेटिंग्स में क्या क्या है। तो यहाँ पे चलते हैं ब्लूटूथ डिवाइस में, आपको OTG का सपोर्ट मिल रहा है, USB-C है तो आपको कंपैटिबल चाहिएगा कनेक्टर। उसके अलावा स्मार्ट मिररिंग में आप जाओगे तो आप अलग अलग तरह का मिररिंग आप चूज कर सकते हो, फोटो वीडियो उस हिसाब से चूज कर सकते हो। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में चलते हैं, तो यहाँ पे डार्क थिंग मैंने आपको बता दिया, स्क्रीन टाइम आउट चेंज कर सकते हो, स्क्रीन का कलर आप चेंज कर सकते हो, आपको कैसा कलर चाहिए, ब्राइटनेस कैसा चाहिए वो कर लो, टेम्परेचर, फॉन्ट का साइज आप चेंज कर सकते हो, छोटा बड़ा जैसा आपको पसंद हो, फॉन्ट का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ एक बार आप एग्री कर लो, थीम्स खोल रहा है ये, और यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो थीम्स वाले सेक्शन में और उसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत इजी और बहुत अच्छा बना हुआ है ये। स्टेटस बार देख लेते हैं, तो आपको अगर बैटरी परसेंटेज दिखानी है तो इसको इनेबल कर देना, ऊपर बैटरी परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद है डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, तो आप इसको इनेबल कर लेना, तो यहाँ पे आपको नेटवर्क स्पीड भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। स्क्रीन की रिफ्रेश रेट आपको चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, ऐसे तो स्मार्ट स्विच बाय डिफॉल्ट ऑन है, बट आप चाहो तो 120 हर्ट्ज में स्विच कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा बैटरी काफ़ी कंज्यूम करेगा। इसको मेरे हिसाब से स्मार्ट स्विच पे रहने दो, ताकि गेम्स होगा तो बेटर हो जाएगा, 120 पे चला जाएगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है 60 पे काम चलाएगा, बैटरी पे इफेक्ट काफ़ी तगड़ा पड़ेगा। नेक्स्ट है टॉप एरिया डिस्प्ले। अगर आप चाहते हो कि जो ऊपर ये कैमरा वाला है ये हाइड हो जाए, तो आप एप्लीकेशंस को सेलेक्ट करके आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि अगर आपको ऊपर हटाना है डिस्प्ले थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट ये अपनी अपनी प्रेफरेंस है। अगर आपको ये चाहिए तो ये ऊपर एक ब्लैक बार आ जाएगा, तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं साउंड में, तो यहाँ ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट मैं कुछ सेटिंग्स ऑलवेज बोलता हूँ चेंज करने, वो है ये वाला डायल पैड टोन, स्क्रीन लॉकिंग साउंड, चार्जिंग साउंड, टच साउंड, स्क्रीन कैप्चर साउंड, ये सब एक तरह से दूसरे को बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे थे फोन पे, तो इसको पक्का से हटा देना ताकि इस तरह का कोई हिंट न जाए किसी को। नेक्स्ट है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल रहा है और आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको कैसा चाहिए, आपको क्लॉक कैसा चाहिए, अलग अलग तरह का क्लॉक है, बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हो, एक अलग तरह का कलर आप चूज़ कर रहे हो, नंबर आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अलग अलग तरह के हैं, तो आपको अगर इनमें से कोई भी पसंद आता है तो आप उसको अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट है डिस्प्ले मोड, तो इसमें आप जाओगे तो आपको क्या दिखा रहा है, मूव द फोन स्लाइटली टू डिस्प्ले, शेड्यूल डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑल डे, यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले किस तरह से कितना टाइम चलेगा इसको आप कॉन्फिगर कर सकते हो। सिमिलरली लॉक स्क्रीन सेटिंग है, तो आपको लॉक स्क्रीन स्टाइल कैसा चाहिए, वॉलपेपर आपको चेंज करना है कि नहीं करना है, कुछ टेक्स्ट डालना है तो आप कर लो, लॉक स्क्रीन पोस्टर है उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो,
किस तरह के वॉलपेपर आपको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, इस तरह की चीजें यहाँ पे कॉन्फिगर कर लेना। नेक्स्ट है एप्स एंड नोटिफिकेशन। ये एंड्रॉइड 11 बहुत मेजर है बिकॉज अब आप कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करोगे। अगर आप कुछ मिस कर जाते हो तो आप नोटिफिकेशंस में जाओ, ठीक है, और यहाँ पे आप सारी नोटिफिकेशन देख सकते हो। क्योंकि मैंने ये फोन इतना यूज़ नहीं किया अभी फिलहाल, तो मैं फीचर्स ही देख रहा हूँ, तो यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन में दिखती है। लेकिन इसको टर्न ऑन कर लेना, एक बार आप टर्न ऑन कर लोगे उसका जितनी नोटिफिकेशन की हिस्ट्री रहेगी, चाहे वो डिलीट ही कर दे सामने वाला बंदा, वो यहाँ लॉक हो जाएगा। उसके अलावा आपको कैसा चाहिए, बबल्स चाहिए या नहीं चाहिए वो चेंज कर लो, किस किस का कॉन्फिगर कर लो, नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन, सेंसिटिव नोटिफिकेशन के साथ क्या करना है, वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन करना है कि नहीं करना है, भयंकर मतलब इतना कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। आई थिंक अभी वीवो का फन टच ओएस शायद वन ऑफ द बेस्ट ओएसएस में है जो अपने यूज़र्स को इतना कस्टमाइजेशन देता है। हर किसी की बात नहीं है, जिसको पसंद है उसको पसंद है, तो ये वो वाली चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे आप स्क्रीन लॉक जो है आप उसको चेंज कर सकते हो, आपको पैटर्न विजिबल रखना है कि नहीं रखना है, कब टाइम आउट करना है, पावर बटन से लॉक करना है कि नहीं करना है, फिर फिंगरप्रिंट है, आप फिंगरप्रिंट अपना चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ऐड करो यहाँ पे तो नया फिंगरप्रिंट हो जाता है। उसके अलावा एनिमेशन स्टाइल है, आप चाहो तो दूसरा एनिमेशन स्टाइल यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं प्राइवेसी की तरफ। तो कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो आप अपने चॉइस के हिसाब से कॉन्फ़िगर करना, ठीक है ना। जैसे कि शो पासवर्ड, जब आप पासवर्ड टाइप करो दिखाना है कि नहीं दिखाना है। स्क्रीन कैप्चर प्रोटेक्शन, अगर कोई सेंसिटिव ऐप है जैसे गूगल पे, पेटीएम, उसमें आप स्क्रीन कैप्चर डिसेबल कर सकते हो। और एक चीज़ है रीसेंट ऐप प्रीव्यू। अगर आप चाहते हो कि रीसेंट ऐप प्रीव्यू ना हो, वो एप्लीकेशन का प्रीव्यू ना दिखाए, तो आप इसको इनेबल कर दो। किसके लिए करना है वो भी कर सकते हो, जैसे मान लो क्रोम, इसको मैं कर देता हूँ, या लेट सी गूगल के लिए कर देता हूँ, आई मैनेजर ज़रूरत नहीं है, मैप्स कर देता हूँ। तो अब क्या होगा ना कि अब जैसे मैं यहाँ पे गूगल, तो आप देख सकते हो ये ब्लर हो गया, बाकी सब अपनी जगह ठीक है, प्रीव्यू है, लेकिन ये ब्लर हो गया। तो वो जो होता है ना एक मल्टीटास्किंग टाइम में आप स्विच कर रहे हो और तब कोई देख ले, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें यूजफुल हैं, जैसे कि फ्लैशलाइट नोटिफिकेशन, स्मार्ट मोशन, स्मार्ट मोशन में आप जाओगे तो स्मार्ट वेक, स्मार्ट कॉल, स्मार्ट टर्न ऑफ ऑन स्क्रीन, यानी कि फ़ोन उठाया तो स्क्रीन वेकअप हो गया, इस तरह के ऑप्शन यहाँ पे है। उसी तरह से स्मार्ट स्प्लिट भी है, यानी कि दो एप्लीकेशन को मुझे स्प्लिट करना है। तो अब सपोज करो इनका नेटिव ऐप्स नहीं काम करता, आप जैसे इसमें चले जाओ, ठीक है, और थ्री फिंगर अप करना, तो ये देखो स्प्लिट हो गया। अब मैं यहाँ नेटफ्लिक्स ले आता हूँ, ये सपोर्ट ही नहीं करता स्क्रीन, ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी। तो सपोज करो फेसबुक लाते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं और मैसेंजर ले आते हैं, तो आप देख सकते हो ये दोनों स्प्लिट स्क्रीन हो गया। उसी तरह से आप अगर यहाँ टैप करोगे तो आप दोनों को बीच में स्विच कर सकते हो, एक ऊपर एक नीचे, या इसमें ऐड कर सकते हो ऐड टू होम स्क्रीन, इस तरह के ऑप्शन है, या तो क्लोज ही कर दो, जो आपकी इच्छा। वन हैंडेड मोड भी है, तो ये वन हैंडेड मोड काफ़ी ईजी दिया हम लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करता हूँ, ये देखो वन हैंडेड हो गया, बहुत ईजी कर दिया एक्चुअली। इसके पहले वाले इम्प्लीमेंटेशन में इतना ईजी नहीं था, पता नहीं कैसे कैसे करना पड़ता था। आप इसको फुल स्क्रीन भी कर लो या बंद कर दो, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। ये देखो बहुत बढ़िया बनाया है लोगों ने स्प्लिट स्क्रीन फीचर। एक और दिखा देता हूँ, मल्टीटास्किंग में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे, मैं दूसरा ऐप लेता हूँ, यहाँ एक मेन्यू मिलता है, इसमें आप लॉकडाउन कर सकते हो, स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हो और आप इन्फो कर सकते हो। लॉकडाउन जब आप कर दोगे तो आप जब क्लियर करोगे ना और मल्टीटास्किंग में जाओगे तो ये ऐप वैसे का वैसे ही रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं। तो दोस्तों ये थे वीवो X60। यार स्पेसिफिकली मैं बोलूँ फन टच ओएस 11 के फीचर्स, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स या उनके सिस्टम का वॉक थ्रू, आप जो चाहे इसको बुला लो, बट ये वीडियो आपको क्लियर आइडिया देता है कि आप कैसे अपने फ़ोन को बहुत बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।